विदर्भ विकास आघाड़ी और आम आदमी पार्टी ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर जरांगी पाटिल को स्पष्ट समर्थन दिया है और आम आदमी पार्टी और विदर्भ विकास आघाड़ी के अनिल चवादे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी भूमिका जाहिर की। राज्य सरकार को अपना ढीला रवैया सुधार कर तत्काल कदम उठाने की बात कही। मराठा संघर्ष के मनोज जरांगी पाटिल को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किस आधार पर 40 दिन में आरक्षण लागू करने का वादा किया है? सरकार की दृष्टिकोण नीति साफ नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपने बीमारी का कारण देके मराठा समाज के सवाल को लेके फिलहाल भूमिगत हो गए हैं। आम आदमी पार्टी की स्पष्ट मांग है कि मराठा समुदाय चौकीट के आधार पर और घटना के स्थायी निवासियों को ऐसा आरक्षण दिया जाना चाहिए और अन्य समुदाय के सदस्यों पर आरक्षण का असर नहीं होना चाहिए, ऐसा आरक्षण देना चाहिए। केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है जहां केंद्र और राज्य सरकारों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की मांग को खारिज कर दिया है। वहीं बीजेपी ने मराठा समाजवादी आरक्षण लागू करने की पहल करने की बात पत्रकार परिषद में कही। आज विदर्भ विकास आघाड़ी आणि आम आदमी पक्षाची पत्रपरिषद बोलावल्या गेली। या पत्रपरिषदेमध्ये विषय आमचा असा आहे की जरांगे पाटलांनी जी मागणी केलेली आहे मराठा आरक्षणाची, त्याचा निर्णय सरकारने तातडीने घ्यावा आणि या मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे। कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आणि जे कायदेशीररित्या संविधानात्मक ठरेल असं आरक्षण केंद्र सरकारने तातडीने लागू करावं। ज्या पद्धतीने त्यांनी EWS म्हणजे इकॉनॉमिक विकर सेक्शनसाठी 10% आरक्षण मागणी नसताना केंद्र सरकारने जाहीर केलेलं आणि ते लागू केलं, केंद्रामध्ये लागू केलं आणि सगळ्या राज्यांनाही लागू करायला लावलं, त्याच धर्तीवर मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे अशी आम्ही आज मागणी करीत आहोत। NBC News के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।